हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस वीडियो में आपको मैं इंग्लिश कैलेंडर 1979 ईयर का आपको दिखाने वाला हूँ और इस्लामिक कैलेंडर 1399 और 1400 हिजरी ईयर आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में जनवरी से लेकर दिसंबर मतलब पूरे साल का जो कैलेंडर है आपको मैं एक ही वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखिए। तो जनवरी के महीने में यहाँ पे सफ़र का और रबी अव्वल का महीना यहाँ पे आता है। जनवरी के महीने यहाँ पे सफ़र का रबी अव्वल का महीना यहाँ पे आता है। 1 जनवरी को यहाँ पे मंडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे सफ़र महीने की यहाँ पे 2 तारीख थी। 1 जनवरी को यहाँ पे मंडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे सफ़र की यहाँ पे 2 तारीख थी और उसके हिसाब से ये महीना यहाँ पे स्टार्ट होता है। 2, 3, 4 ऐसा पूरा कंटिन्यू यहाँ पे होता है। अभी हम देखते हैं कि सफ़र महीने की जो एंडिंग है वो कभी है। तो सफ़र महीने की जो एंडिंग है वो 29 का मतलब 28 जनवरी को यहाँ पे सफ़र महीने की 29 तारीख थी और रबी अव्वल की जो पहली तारीख जो है वो 29 को 29 जनवरी को मंडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे रबी अव्वल महीने की यहाँ पे पहली तारीख थी। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है जनवरी के अंदर नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है वो फरवरी का महीना। तो फरवरी के महीने में आप देख सकते हैं कि रबी अव्वल का महीना यहाँ पे है और रबी उल आखिर का महीना, रबी अव्वल का महीना है, रबी उल आखिर का महीना है। 1 फरवरी को यहाँ पे रबी अव्वल की यहाँ पे 4 तारीख है, थर्सडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे रबी अव्वल महीने की यहाँ पे 4 तारीख है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है वो रबी उल आखिर महीने की जो पहली तारीख जो है वो 28 फरवरी को यहाँ पे, 1 फरवरी को यहाँ पे रबी अव्वल महीने की यहाँ पे 4 तारीख है और 28 फरवरी को यहाँ पे रबी आखिर महीने की यहाँ पे पहली तारीख है। तो ये हमारा हो गया फरवरी मंथ का। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा मार्च मंथ का। तो मार्च महीने में यहाँ पे रबी आखिर का महीना है, जमादिल अव्वल का महीना यहाँ पे आता है। तो 1 मार्च को यहाँ पे रबी आखिर महीने की यहाँ पे 2 तारीख है, रबी आखिर महीने की यहाँ पे 2 तारीख है। 1 मार्च को यहाँ पे थर्सडे का दिन था और नेक्स्ट यहाँ पे जो है 29 मार्च को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे पहली तारीख है। 1 मार्च को यहाँ पे रबी आखिर की 2 तारीख है और 29 मार्च को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे पहली तारीख थी और 31 मार्च को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे 3 तारीख थी। तो ये हमारा हो गया मार्च मंथ का। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे अप्रैल मंथ का। तो अप्रैल के महीने में यहाँ पे जमादिल अव्वल का महीना आता है, जमादिल आखिर का महीना यहाँ पे आता है। तो 1 अप्रैल को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे 4 तारीख थी, 1 अप्रैल को यहाँ पे जमादिल अव्वल महीने की यहाँ पे 4 तारीख थी। और अभी हम देखते हैं कि जमादिल आखिर महीने की जो पहली तारीख जो है वो 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल 1979 ईयर इंग्लिश कैलेंडर आप देख रहे हैं, सैटरडे का दिन है यहाँ पे और जमादिल आखिर महीने की यहाँ पे पहली तारीख है और इसके हिजरी ईयर जो है जमादिल आखिर महीने का वो 1399 है। 30 अप्रैल को यहाँ पे जमादिल आखिर महीने की यहाँ पे 3 तारीख थी। तो ये हमारा हो गया अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है वो मई का। तो मई में आप देखते हैं कि जमादिल आखिर का महीना है, रजब का महीना है। 1 मई को यहाँ पे जमादिल आखिर महीने की यहाँ पे 4 तारीख थी, ट्यूसडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे जमादिल आखिर महीने की यहाँ पे 4 तारीख थी। और रजब का जो महीना स्टार्ट होता है वो 27 मई, 27 मई को यहाँ पे रजब महीने की यहाँ पे पहली तारीख थी, संडे का दिन था और उस दिन यहाँ पे 27 मई को यहाँ पे रजब महीने की यहाँ पे पहली तारीख थी। 31 मई को यहाँ पे रजब महीने की यहाँ पे 5 तारीख थी। तो ये जून का कैलेंडर है। जून के कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे रजब का शाबान का महीना यहाँ पे आता है। तो 1 जून को यहाँ पे रजब महीने की यहाँ पे 6 तारीख थी और यहाँ पे फ्राइडे का दिन था उस दिन यहाँ पे, और यहाँ पे रजब और शाबान का महीना। तो शाबान की जो पहली तारीख है वो 26 जुलाई, 26 जून को, सॉरी 26 जून को यहाँ पे शाबान की पहली तारीख थी। 1 जून को यहाँ पे रजब की 6 तारीख थी, 26 जून को यहाँ पे शाबान की पहली तारीख थी और 30 जून को यहाँ पे शाबान की 5 तारीख थी। तो ये हो गया हमारा जून का। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट जो है जुलाई का। जुलाई मंथ में आप देख सकते हैं कि शाबान का रमज़ान का महीना है, शाबान का रमज़ान का महीना यहाँ पे। तो 1 जुलाई को यहाँ पे शाबान की 6 तारीख थी,
1 जुलाई को यहाँ पे शाबान की 6 तारीख थी, और रमज़ान की जो पहली तारीख जो थी वो 26 जुलाई को थी। यहाँ पे 26 जुलाई को यहाँ पे रमज़ान मैंने यहाँ पे भी पहली तारीख थी, और 31 जुलाई को यहाँ पे रमज़ान की 6 तारीख थी। तो ये हमारा हो गया जुलाई मंथ का। अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा अगस्त मंथ का। अगस्त के महीने में यहाँ पे रमज़ान का शावाल का महीना है, रमज़ान का शावाल का महीना है। तो 1 अगस्त को यहाँ पे रमज़ान की 7 तारीख थी, और शावाल की जो पहली तारीख जो थी वो 24 तारीख को थी। 24 अगस्त को यहाँ पे शावाल की पहली तारीख थी, फ्राइडे का दिन था, और 31 अगस्त को यहाँ पे शावाल की 8 तारीख थी। 1 अगस्त को यहाँ पे रमज़ान की 7 तारीख थी, 24 अक्टूबर को यहाँ पे शावाल की 1 तारीख थी, और 31 अगस्त को यहाँ पे शावाल की 8 तारीख थी। नेक्स्ट है यहाँ पे सितंबर का। सितंबर के महीने में यहाँ पे शावाल का जुल्किद्दा का महीना यहाँ पे आता है, शावाल का जुल्किद्दा का महीना यहाँ पे आता है। तो 1 सितंबर को यहाँ पे शावाल की 9 तारीख थी, 1 सितंबर को यहाँ पे शावाल की 9 तारीख थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जुल्किद्दा मैंने यहाँ पे जो पहली तारीख जो थी वो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को यहाँ पे संडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे जुल्किद्दा मैंने की यहाँ पे पहली तारीख थी। 30 सितंबर को यहाँ पे जुल्किद्दा मैंने की यहाँ पे 8 तारीख थी। सितंबर का महीना यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के महीने यहाँ पे जुल्किद्दा का महीना यहाँ पे आता है, जुल्हिज्जा का महीना यहाँ पे आता है। तो 1 अक्टूबर को यहाँ पे मंडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे जुल्किद्दा मैंने की यहाँ पे 9 तारीख थी, 9 तारीख यहाँ पे थी। और जुल्हिज्जा मैंने की जो पहली तारीख जो स्टार्ट हुई थी वो 22 अक्टूबर को मंडे का दिन था, या उस दिन यहाँ पे जुल्हिज्जा मैंने की यहाँ पे पहली तारीख स्टार्ट हुई थी। 31 अक्टूबर को यहाँ पे जुल्हिज्जा मैंने की यहाँ पे 10 तारीख थी। 1 अक्टूबर को यहाँ पे जुल्कद्दा मैंने की यहाँ पे 9 तारीख थी। 22 अक्टूबर को यहाँ पे जुल्हिज्जा मैंने की पहली तारीख थी। 31 अक्टूबर को यहाँ पे जुल्हिज्जा मैंने की यहाँ पे 10 तारीख थी। तो ये हमारा अक्टूबर का महीना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जब नवंबर का महीना, 1 नवंबर को यहाँ पे, सॉरी नवंबर के महीने में यहाँ पे जुल्हिज्जा का महीना है, मुहर्रम का महीना है। तो जुल्हिज्जा ईयर की जो 11 तारीख जो थी वो 1 नवंबर को, 1 नवंबर को यहाँ पे जुल्हिज्जा मैंने की यहाँ पे 11 तारीख थी। और हिजरी ईयर जो है जुल्हिज्जा मैंने का है 1399, 1399 जो है वो हिजरी ईयर जो है जुल्हिज्जा मैंने का यहाँ पे 1 नवंबर को यहाँ पे जुल्हिज्जा मैंने की यहाँ पे 11 तारीख थी। और मुहर्रम की जो पहली तारीख जो थी वो 21 नवंबर को, वेनेसडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे मुहर्रम मैंने की यहाँ पे पहली तारीख थी। मुहर्रम महीना जो है इस्लामी ईयर के हिसाब से फर्स्ट मंथ रहता है, इसलिए न्यू ईयर यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो ईयर जो चेंज होता है, अभी जो पहले जुल्हिज्जा महीने के लिए, जो जुल्हिज्जा के लिए ईयर जो था वो 1399 था, और मुहर्रम महीने मतलब न्यू इस्लामी न्यू ईयर रहता है, तो ईयर स्टार्ट होता है, न्यू ईयर स्टार्ट यहाँ पे होता है। तो ईयर जो स्टार्ट हुआ वो 1400, 1400 यहाँ से स्टार्ट होता है 21 नवंबर से, और मुहर्रम की जो पहली तारीख से यहाँ पे स्टार्ट होता है 1400 ईयर, इस्लामिक हिजरी ईयर। और 30 नवंबर को यहाँ पे मुहर्रम महीने की यहाँ पे 10 तारीख थी, जिसको हम आशूरा मनाया जाता है, 10 तारीख मुहर्रम महीने की यहाँ पे। तो 30 नवंबर को यहाँ पे 10 तारीख थी, मतलब मुहर्रम महीने की यहाँ पे। नेक्स्ट चेक करते हैं दिसंबर। तो दिसंबर के महीने में यहाँ पे मुहर्रम का महीना है, सफर का महीना है। तो मुहर्रम, सॉरी, 1 दिसंबर को यहाँ पे सैटरडे का दिन था, और उस दिन यहाँ पे मुहर्रम महीने की यहाँ पे 11 तारीख थी। और जो ईयर जो है मुहर्रम महीने का यहाँ पे 1400 है। तो ये मुहर्रम महीना है यहाँ पे। और अभी हम देखते हैं कि सफर की जो पहली तारीख जो थी वो 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को सफर की यहाँ पे पहली तारीख थी। सफर का महीना इस तारीख से स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे का दिन था, 21 दिसंबर फ्राइडे का दिन था, सफर की यहाँ पे पहली तारीख थी। और 31 दिसंबर को यहाँ पे सफर की यहाँ पे 11 तारीख थी। और आपको कुछ भी डाउट है, कुछ सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ भी डाउट है या कुछ सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने और भी सारे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया कैलेंडर के ऊपर, 1960 से लेके 2022 तक मैंने अपने वीडियोस अपलोड किया कैलेंडर के ऊपर। दो 1960 का कैलेंडर, 1970 कैलेंडर से लेके जितने भी पुराने कैलेंडर है वो मैंने अपने पूरे कोशिश किया अपलोड किया, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।